नमस्कार दोस्तों, 2019 यानी कि इस साल क्रिकेट जगत को मिलेगा नया वर्ल्ड चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट टेबल में जो दो टीमें टॉप पे थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो इस वर्ल्ड कप रेस से बाहर हो चुकी है। इंडिया को हराया न्यूजीलैंड ने, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया इंग्लैंड ने, जो कि दोनों टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत चुकी थी, तो इंडिया 2 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। तो जो दो टीमें फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये दोनों टीमों ने भी अपने देश के लिए अब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इन दोनों टीमों में से वर्ल्ड कप जीतेगा वो नया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। लेकिन बात करें दोस्तों इन दोनों टीमों की, तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो ये वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में हो रहा है और इंग्लैंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। दोस्तों अगर बात करें इंग्लैंड टीम की, तो इंग्लैंड टीम काफ़ी अच्छे फॉर्म में, उनकी बल्लेबाजी उनकी गेंदबाजी दोनों भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। साथ ही साथ अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो उनकी बल्लेबाजी जो है थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो इंडिया जैसे टॉप टीम जो कि अब तक एक ही मैच हारी थी इस वर्ल्ड कप में, उसको सेमीफाइनल में हरा कर फाइनल में पहुंची, तो डेफिनेटली ये भी टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जो फेवरेट टीम मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप के लिए वो इंग्लैंड है। लेकिन दोस्तों बात करें हिस्ट्री की, तो जब से 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता है, उसके बाद जो भी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है उसे इंडिया को हरा कर ही वर्ल्ड चैंपियन बनना पड़ा है। अगर बात करें 2015 की वर्ल्ड कप की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था, तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया था, तब जाके वो चैंपियन बनी। साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो वहां पे भी वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल में इंडिया को हरा था और वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी T20 की। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर फेवरेट की तरफ जाए तो इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, कौन जीतेगा इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवराय।